दोस्तों स्वागत है आपका। बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो बड़े जो चर्चा में रहे और एक लेकर देश में एक तरीके से अलग दिशा में चले और कुछ नया हटके किया और देश को मजबूती उनके विचारों को मजबूत देने का काम जो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने किया। अब वो 10 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब वो कह रहे हैं कि ये जानने को बेचैन हो कि इतिहास मेरा कार्यकाल कैसे आंकेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब आपके बहुत से काम बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। आपको बड़े ही तहजीब के साथ याद किया जाएगा। आपने सरकार को भी फटकार लगाई है, इसके लिए याद किया जाएगा। आप एक सरकार के पक्षधर ना रहें, ये भी याद किया जाएगा। लेकिन आपसे कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। अभी आप चाहते हैं कि आपको और भी तरीके से याद किया जाए, तो ईवीएम मशीन का मुद्दा बड़ा अहम है, ये संदेह के गहरे में है। आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट जो पिछली बार अभी आया, उसमें आप पुनर्विचार कीजिए। अगर एक को भी संदेह होता है तो फिर वो मतदान की प्रक्रिया का मतलब क्या, और हरियाणा के चुनाव के बाद, राजस्थान के चुनाव के बाद, एमपी के चुनाव के बाद ये संशय और भी ज़्यादा हो गया। आदमी वोट करने से अब डर रहा है, उसको डेफिनेटली लग रहा है कि हम सत्ता में तो यहीं आने वाला, हम वोट क्यों करें। तो फिर ईवीएम मशीन, जबकि एलन मस्क तक कह चुके हैं अभी अमेरिका चुनाव के दौरान भी कि ईवीएम मशीन पर रिस्क है उसे हैक करने की, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप भरोसा कैसे कर सकते हैं। और ज़्यादा जो जिन देशों ने इसको बनाया उन देश में ही बैन है, लेकिन इस देश में पता नहीं है क्यों चल रही और निरंतर चलाई जा रही। ऊपर से एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके इस तरीके से ईवीएम के खेल से एक ही बार में सरकार बनाने लग जाएगी और उसके बाद 5 साल तक आपकी आवाज़ कोई नहीं उठा पाएगा, जनता की आवाज़ को दबा दिया जाएगा, यही होगा। तो ईवीएम मशीन पर आप साफ अपना रुख स्पष्ट करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, और ईवीएम मशीन को बैन करें। बैलेट पेपर से आप देखेंगे राजस्थान में भी जो है अलग रिजल्ट रहा था, हरियाणा में बैलेट पेपर का अलग रिजल्ट रहा, लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन खुलती है मामला कुछ और ही हो जाता है। तो ऐसे कैसे 99% बैटरियां चार्ज मिलती है ईवीएम मशीन की, जबकि 3 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का गैप हो जाता है वोटिंग के दिन और उसके रिजल्ट के दिन, कैसे संभव है? 1% ही डिस्चार्ज हुई होगी जबकि वोटिंग के समय इतना लोड पड़ता है, पूरे दिन बैटरी चलती है, तो 1% डिस्चार्ज कैसे हो गई? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे संदेह हैं, अगर आप क्लियर करना चाहेंगे तो ये मशीन को लेकर आप पुनर्विचार कर सकते हैं। ये बड़ा इस देश पर उपकार होगा आपका, क्योंकि मान लीजिए ये मशीन में नहीं भी होता है तो इतने लोगों को आशंसा है, इतने लोग डाउट में अगर मतदान करते हैं तो मतदान की प्रक्रिया पर संदेह अगर है तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या, पारदर्शिता का मतलब क्या रहा? तो इस पर पुनर्विचार कीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं कि मेरे इतिहास को कैसे जाना जाएगा, या क्या कहते हैं? अगले महीने रिटायर हो रहे प्रधान न्यायाधीश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मैंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की। बिल्कुल की है, एक सेवा और कर दीजिए इस माँ भारती का नाम। मैंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की, मुझे इस बात की उत्सुकता है कि इतिहास मेरे कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करेगा। सीजीआई ने यह बात भूटान के जिंगमे सिंगे वांगचुक स्कूल ऑफ लॉ के तीसरे दीक्षांत समारोह में कही है। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। सीजीआई ने कहा, मैं 2 साल तक देश की सेवा करने के बाद नवंबर में सीजीआई के रूप में पद छोड़ दूंगा। मेरा मन भविष्य और अतीत के बारे में आकांक्षाओं से घिरा है। मैं सोचता हूं कि क्या मैंने वो सब हासिल किया जिसे पाने का लक्ष्य मैंने रखा था। इतिहास मेरे कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करेगा, क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? बिल्कुल अभी भी कर सकते हैं, वक्त है आपके पास। ये अहम निर्णय कर दीजिए, लोकतंत्र को बचा लीजिए, क्योंकि ये मशीन जब तक बहुत सारी जब अधिकतर पार्टियां इसके खिलाफ हैं तब आप इस पर एक्शन क्यों नहीं ले सकते? विपक्ष की पार्टियां जनता की आवाज़ होती है, ये आप से बेहतर और कौन समझेगा? सर, मैं जजों और कानूनी पेशेवर की भावी पीढ़ी के लिए क्या विरासत छोड़ूंगा? आगे अपने सवालों का खुद ही जवाब देते हुए सीजीआई ने कहा, इनमें से ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर मेरे नियंत्रण से बाहर है। शायद मुझे कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि मुझे पता है कि पिछले 2 साल में हर सुबह इस वादे के साथ जागता हूँ कि मैं अपना काम पूरी तरह से करूँगा। इस संतुष्टि से सोता हूँ कि मैंने अपने देश की पूरी लगन से सेवा की है, इसी में मुझे सुकून मिलता है। सीजीआई ने कहा, एक बार जब आपको अपने इरादे क्षमताओं पर भरोसा हो जाता है तो नतीजों के बारे में सोचना बंद करना आसान होता है। आप इस प्रक्रिया और नतीजों की ओर बढ़ने की यात्रा को महत्व देने लगते हैं। तो आपका कार्यकाल निस्संदेह शानदार रहेगा, लेकिन ये आप ईवीएम बैन को लेकर अगर आप कोई फैसला लेते हैं
तो बड़ी मेहरबानी होगी इस देश पर, क्योंकि बहुत जब से इलेक्शन, अभी पिछले कुछ इलेक्शन जो भी हुए, सब संदेह के घेरे में, सब पर डाउट्स हैं। बैलेट पेपर में अलग रिजल्ट होता है, ईवीएम मशीन खुलने के बाद अलग रिजल्ट आता है, ये आप भी देख रहे हैं। और सब कुछ देख कर आँख मूंद कर बैठे रहना सर ठीक बात नहीं, आपको बहुत ही तहजीब से याद किया जाएगा। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, ईवीएम मशीन बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? नमस्कार।